दोस्तों, द न्यूज़वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आज विपक्ष के CPI, CPM, CPIML, कांग्रेस पार्टी और RJD पार्टी के मेंबर जो हैं, नेता जो हैं, हम लोगों ने जैसा कल आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री जी से समय हम लोगों ने मांगा है, तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। आप लोग सब लोग जानते हैं कि लड़ाई लड़ने के बाद नीट का जो 14,000 सीटें जो केंद्र सरकार जो खाई हुई थी, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, फैसला वापस बदलना पड़ा। हम लोगों की मांगे जो थी, हम लोग इसके लिए सड़क पर भी उतर के संघर्ष किए थे कि जातीय जनगणना में पिछड़े अति पिछड़ों की भी गिनती हो, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे हर धर्म SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा हो जाए, ये होना चाहिए गिनती। इस सिलसिले में क्योंकि दो बार बिहार विधानसभा, गौर कीजिएगा, दो बार बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से सब दल के, BJP भी इसको पास किया था, 2019-2020 दो बारी लगभग हम लोगों की मांग पर पास हुआ और केंद्र सरकार को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा। लेकिन कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट में साफ तौर पे केंद्र सरकार ने लिखित रूप से मना कर दिया। मना आपको पता है कि नीट का भी जो 14,000 सीटें जो चल रही थी उसके लिए भी किया गया, लेकिन सरकार को दबना पड़ा, वापस फैसला लेना पड़ा। तो हमारा फर्ज बनता था कि जब बिहार में सब दल के लोग सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा से पारित कर रहे हैं तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा। तो हम लोग इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा और मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? आखिर डबल इंजन की सरकार है, NDA की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। आपने देखा होगा कि भाई सब लोगों ने मांग की थी, तो भाई समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में, अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करे कराने की। तो मुख्यमंत्री जी को जब ये बात हमने रखा तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कर्नाटका सरकार के बारे में, तो उन्होंने हमारे बयान पर जो है वो कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट मंगाया कि कैसे गिनती हुई है। तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि एक बार मंगा के हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज़ वगैरह मंगा करके वो देख लें, जब वो आ जाएगा अगर नहीं मिलने का केंद्र सरकार मना करती है तो मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि इसमें लीगल वीगल क्या होगा वो दिखवा लेंगे। तो इसलिए ये बात जो है आज चर्चा में मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी दल के लोगों के विस्तार रूप से हुई। ये हम लोगों की मांग रही है शुरू से, आपको भी पता है लालू जी इसी कड़े धूप में सड़कों पर भी निकले थे और सर्व दल के लोग यहाँ जितने लोग खड़े हैं, महबूब भाई हैं, अजय भाई हैं, अपने कांग्रेस के अजीत जी हैं, सब लोग हम लोग जो हैं मिलकर के इस बात के लिए हम लोगों ने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी है,
सदन में भी सर्वसम्मति से पास किया है, और ये हो जाने से आखिर पता होगा तभी ना बजट में आप उनके कल जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। क्योंकि आप देखिएगा, जानवरों की गिनती होती है, अलग अलग जानवरों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है, हर धर्म में है उसकी गिनती होती है, एससी एसटी की होती है, तो और सब जातियाँ जो पिछड़े अति पिछड़ी या अन्य वर्ग हैं वो क्यों छूटी रहें इसमें? इसमें तो सबको जानने का अधिकार है, और उसी हिसाब से इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनेंगी, उसी हिसाब से प्रोविजन बजट का तो पैसा है एलोकेट किया जाएगा, और अलग से योजनाएं चला करके इनका जनकल्याण होगा।